तो आज डेट है 8 मार्च। हम देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखो, हम मैपिंग रिवीजन कर रहे थे, मैपिंग रिवीजन नहीं, मैपिंग तो हम अभी पढ़ रहे हैं एक बार, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। देखो, हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपका यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके बाद आपका हमने एशिया महाद्वीप पूरा कवर किया था। हमने बोला था कि इंडिया को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इंडिया को हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में एक करके पढ़ेंगे भी इसको। इसमें हम क्या क्या देखेंगे ये भी बताते चलता हूँ मैं। सबसे पहले देखो, हम स्टेट देख रहे हैं, स्टेट उसकी कैपिटल भी देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसकी बॉर्डर किससे किससे लगती है। मतलब एक अगर स्टेट जैसे बात करें हम मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की बॉर्डर किससे लगती है हमें ये पता होना चाहिए, राइट। अगर आपसे पूछ दूं मैं कर्नाटक कहाँ पे है, तो कर्नाटक आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि बस साउथ में है। कर्नाटक को आपको बारे में सारी चीज़ें पता होनी, जैसे कर्नाटक की कैपिटल क्या है ये पता होना चाहिए, कर्नाटक किस सागर के साथ लगा हुआ है या लैंडलॉक है, ठीक, लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट मतलब समुद्र से नहीं घिरा हुआ, जैसे एक बात करें उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपका राजस्थान, ये सारे लैंडलॉक स्टेट हो गए हमारे। जैसे लैंडलॉक कंट्रीज होती हैं ऐसे लैंडलॉक स्टेट भी होते हैं, राइट। उसके आगे अगर हम ऐसे देखेंगे तो देखो, हमारे 9 स्टेट्स हैं जो समुद्र के साथ लगते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ईस्ट साइड में कौन से हैं, वेस्ट साइड में कौन से हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए। प्लस 8.4 डिग्री से लेके कितने अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार तक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो जैसे कर्नाटक की बात कर रहा था मैं, तो कर्नाटक से कौन कौन से राज्य भी लगते हैं, किसकी सीमा बनाते हैं कितने राज्यों से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर पूछ दिया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सारा देखेंगे। तो अपने देश के बारे में देखते, देखो हमने बता दिया, स्टेट देखेंगे, कैपिटल देखेंगे उसकी, उसके साथ उसके बॉर्डर देखेंगे, फिर रिवर्स देखेंगे, रिवर के बाद कौन सा कोयला, कौन सा खनिज, कौन कौन से राज्य में ज़्यादा पाया जाता है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। और उसकी सॉइल्स, मिट्टियाँ किसी प्रकार की पाई जाती है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ मिलती है, रेगुर मिट्टी कहाँ मिलती है, ये सारा का सारा हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो एटलीस्ट आपको अपने इंडिया के बारे में इतना तो पता हो, अगर आप कहीं राजस्थान घूमने जा रहे हो तो आपको पता हो एटलीस्ट कि वहाँ पर रेत क्यों मिलता है, इसका भी रीजन एक तो थोड़ा पता हो आपको, प्लस वहाँ पर मिट्टी कैसी मिलेगी, उपजाऊ मिलेगी, अनुपजाऊ मिलेगी, कैसा रहेगा, किस चीज़ की खेती करें कि किस खेती के लिए लाभदायक होगा। जैसे अगर आपको मिट्टियों के बारे में पता है तो आप ये भी बता सकते हो कि ऐसी अगर ऐसी मिट्टी है तो हमें किस चीज़ की यहाँ पे खेती करनी चाहिए, तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो बस एक थोड़े से नॉलेज से। तो यही है, कल को आप अगर कलेक्टर बनते हैं, IAS बनते हैं, तो सारे फील्ड में आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको डीप में थोड़ी सी नॉलेज भी होना चाहिए, एटलीस्ट अपने देश के बारे में तो होना चाहिए, क्योंकि आप यही भी सर्व करने वाले हैं, यही भी सारी चेंजेस करने वाले हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, स्टेट देख रहे थे, तो स्टेट का हमारा ये डिवीजन का आज तीसरा दिन है। सबसे पहले हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलांग, असम दिसपुर, ठीक है। ये इसको हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, प्लस 7+1 करने पर सिक्किम भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मैंने अगर बताया था, अगर आप याद करना चाहते हो तो देखो, मैंने जो याद किया था, ठीक है, अरु ना मा मी त्रि मे आशा या आस लग सकते हो, ठीक है, अरुणा मामी, तो अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मिजोरम, बी से मिजोरम, देखो एक सीक्वेंस आ जाता है। उसके बाद त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय, आशा से आसाम, ठीक है। तो अरुणा मामी, त्रिशूल में ऐसा भी कह सकते हो आप, त्रिशूल में आशा ऐसे भी कह सकते हो, बट आप अपने तरीके से कुछ भी देख लीजिए, आप जो भी आपको सुटेबल लगे। तो मैंने तो ऐसे ही याद किया था, अरुणा मामी त्रिशूल में आशा, तो ऐसे आपको सेवन सिस्टर के नाम याद हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब जोर नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्रेडिशनल वे में याद करें तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना हो जाएगा वो। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम रहता है, जहाँ पे गंगटोक इसकी कैपिटल है, राइट। तो ये हो गया आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य। अगर नॉर्थ की बात करें हम, तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, मैंने बताया था आपको जम्मू कब होता है, जम्मू ये विंटर सेशन में होता है, ठीक। हिमाचल प्रदेश के साथ भी है, हिमाचल प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करें तो शिमला है, लेकिन विंटर में धर्मशाला शिफ्ट होता है। पंजाब का चंडीगढ़ है, हरियाणा का चंडीगढ़ है, मैंने बताया था चंडीगढ़ क्यों था, जब ये अलग हुए थे तो उन्होंने आपस में लड़ पड़े कि भैया हमें चंडीगढ़ चाहिए, हरियाणा ने कहा हमें चंडीगढ़ चाहिए, पंजाब ने कहा हमें चंडीगढ़ चाहिए, तो उसको यूटी बना के दोनों को दे दिया गया, भैया दोनों लोग खुश रहिए। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून है, नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली है, नई दिल्ली हमारी कैपिटल भी है, फिर भी हम दिल्ली को नई दिल्ली भी मानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो यूटीज है, एक तो नई दिल्ली, एक पांडिचेरी, जहाँ पे आप खुद की उनकी विधानसभाएं हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसा यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश है, कोई भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहाँ पे उसकी विधानसभा हो, क्योंकि केंद्र शासित का मतलब होता है नाम में ही है, केंद्र शासित मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, वहाँ पे केंद्र शासित बोलते हैं उसको, केंद्र का शासन
आप आज समझिए केंद्र शासित का मतलब क्या होता है। केंद्र का शासन जहाँ पे है उसको हम केंद्र शासित बोलते हैं। अगर आपका 356 लग जाता है, आर्टिकल 356 इमरजेंसी लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा गवर्न किया जाता है। सेम ऐसे ही होता है केंद्र शासित, मतलब केंद्र के द्वारा क्या किया शासन किया जाता है। तो जितनी यूटीज हैं सब पे किसका रूल चलता है, केंद्र सरकार का चलता है, राइट। लेकिन पुदुचेरी और दिल्ली को, दिल्ली और पुदुचेरी को इनको विधानसभाएं दे दी गई हैं। ये लोग इनके पास खुद की विधानसभा है, खुद का इलेक्शन भी ये लोग कराते हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें, दिल्ली को तो पूर्ण राज्य का दर्जा अभी भी नहीं दिया गया, यूटी ही रखा गया उनको। जबकि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो हमेशा कहते रहते कि हम दिल्ली को पूर्ण स्वराज का दर्जा दिलाएंगे, ठीक है। अब उसके अलग रीजन है, अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इसका ऐसे ऐसे क्यों है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं हम। उसके बहुत सारे अलग रीजन है, तो उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करें तो उसकी कैपिटल जयपुर है, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई। देखो दीव यहाँ पे है, दमन यहाँ पे, दमन और दीव हम नाम एक साथ लेते हैं, लेकिन दमन यहाँ पे है, दीव यहाँ पे है, गुजरात में, लेकिन दोनों अलग अलग है। दादर नगर हवेली सिलवासा के पास में है, राइट। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ से कैपिटल है, बिहार की कैपिटल पटना है, वेस्ट बंगाल कोलकाता, इसकी पहले नाम कलकत्ता हुआ करता था, राइट। उड़ीसा के भुवनेश्वर है, और छत्तीसगढ़ का पहले रायपुर बोलते थे लेकिन अब नया रायपुर बोलते हैं, तो वो भी अब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोवा की बात करें पणजी, जिसको पणजी भी बोलते हैं, कर्नाटक बंगलुरु, उसके बाद इसके पहले इसको बेंगलोर भी बोलते थे इसी कैपिटल को। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद अभी है, लेकिन आने वाले टाइम में अमरावती होने वाली है, ठीक है। अमरावती रिवर भी है, ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना हैदराबाद, पुदुचेरी की पुदुचेरी मैंने बता दी थी, तमिलनाडु चेन्नई, चेन्नई का नाम पहले मद्रास हुआ करता था, केरला तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये सारे हो गए। आपका अगर लक्षद्वीप की बात करें तो हमारा यूटी है, और इसकी कैपिटल जो है वो है कावाराती। अंडमान निकोबार की बात करें तो इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देखो हमने कल 25 तक हमने देख लिया है, आप देखो हम जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे बस वही देखेंगे, या तो आपको थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो जो 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, 1971 में हुआ, इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व देशी राज्यों को शासकों को विशेष उपाधियां दी गई थी वो हटा ली गई। मतलब क्या था, जब आपको पता है 600 रियासतों को सरदार पटेल जी ने एकीकृत किया, जब उन्होंने 600 रियासतों को एकीकृत किया तो कुछ कहा होगा तभी तो माने होंगे, वरना सपोज करो आप किसी गाँव के राजा है, कोई बाहर से आके कहे आपसे कि हमारे राज्य में मिल जाए, क्यों मिलेंगे जब तक आपको कोई बेनिफिट्स ना मिले। तो यही कहा गया था कि देखो आप राजा, अगर आपका नाम राजा है तो आप राजा ही रहिए, ठीक है। अगर आपको राजा की उपाधि देगी आप राजा ही रहिए, हम आपको पेंशन भी देंगे। पेंशन मतलब अगर सपोज करो आपको लगता है कि मेरे मेरे इनकम 1 करोड़ रुपये पर मंथ होना चाहिए, तो हम 1 करोड़ रुपये पर मंथ देंगे भी गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट ये भी कहा कि हम आपको 1 करोड़ रुपये पर मंथ देंगे। अगर जितना उन्होंने डिमांड किया कुछ तोल मोल के बाद, उन्होंने कहा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप राजा भी बने रहिए, आप सब कुछ बने रहिए, लेकिन गवर्नमेंट किसका होगा, शासन करेगी भारत सरकार, मतलब भारत का रूल होगा भले ही आप राजा कहलाएंगे। तब राजा एग्री हो गए थे, ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1971 में, और भारत जो जितने भी राजाएं थे ना, जो शासक थे, उनकी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। बोला आप राजा हो जा कुछ नहीं, आप आम आदमी हैं, सीधे सीधे कही आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 आप पे भी लागू होता है, तो आप आम आदमी है, अपने आप को वीआईपी नहीं समझिए, ऐसा इन्होंने कह दिया आर्टिकल 1971 में जो संशोधन किया उसके तहत। उसके अलावा एक और चीज़ की इन्होंने, जो आपको 1 करोड़ रुपये मिल रहे थे ना, पीवी पर्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, जो 1 करोड़ रुपये उनको एज ए मुआवजा कह लो या कुछ भी कह लो, जो पैसे मिलते थे उनको, वो भी ख़त्म कर दिया। एक तो उपाधि राजा की ख़त्म कर दी, ये तो ख़त्म ही किया, इसके साथ साथ जो पीवी पर्स मिलता था इनको, मतलब एक सम्मान के रूप में या कह दो मुआवजे के रूप में जो पैसे मिलते थे वो भी ख़त्म कर दिया। बोला पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, खुद का कमाओ खुद खाओ, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। तो 1926 26वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, इसके साथ ये सारी चीज़ें हटा दी गई थी। तो बस इतने ही पॉइंट्स याद रखिएगा, पीवी पर्स का मामला समाप्त कर दिया, पीवी पर्स के मामले से इसको नाम इस संशोधन को याद भी रखते हैं लोग। फिर 27वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी 1971 में ही हुआ, इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। पहले ये दोनों असम के पार्ट थे, ठीक है, मिजोरम भी असम का पार्ट था, अरुणाचल प्रदेश भी असम का पार्ट था, तो इन दोनों को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले यूटीज बनाया गया, देखो नॉर्थ ईस्ट में आप जितने राज्य देखोगे ना, ज़्यादातर को पहले यूटीज बनाया गया, यूटी बनाने के बाद राज्य बनाया गया, ठीक है। पहले केंद्र का शासन रहा, केंद्र के शासन के बाद उसको राज्य बना दिया गया, ठीक है। इतने पॉइंट्स थे। अब रिवर सिस्टम की बात करें, देखो हमने रिवर सिस्टम में सिंधु नदी देख लिया था जिसको इंडस बोलते हैं, गंगा नदी हमने देखा था, ब्रह्मपुत्र देख लिया था आपने, अब कावेरी देख लिया था, आज हम बढ़ते हैं कृष्णा नदी पे, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में आज डिटेल से देखते हैं हम। तो कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों को हम देखने वाले हैं, ठीक है।
उज्जैनी डैम भीमा डैम के नाम से भी इसको डालते हैं, सोलापुर महाराष्ट्र में है, तो आपके लिए ये भी नॉलेज सा हो जाएगा भीमापुर डैम कहाँ पे है। उसके आगे देखो आज हम देख रहे हैं दोस्तों कृष्णा रिवर, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है ये, महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के पास से। इसकी लेंथ जो है लगभग लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है। अब देखो कहाँ पे ये, अगर मैप में देखो तो ये गोदा सॉरी ये कृष्णा नदी यहाँ पे महाबलेश्वर में यहाँ से निकलते हुए ऐसे ऐसे कृष्णा नदी पे आती है, ठीक है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखो निकलती पश्चिमी घाट से है, गिरती कहाँ पे है, पूर्वी घाट के साइड, और वो भी बंगाल की खाड़ी में। और दो ही नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, एक तापी नदी है आपकी और एक नर्मदा नदी है। ये बस दो ही नदी है जो पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। इधर अगर ईस्ट है तो इधर वेस्ट है, तो इधर पूरब से पश्चिम को बस दो ही नदी बढ़ती है, नर्मदा और तापी। बाकी सारी की सारी नदियाँ ऐसे फ्लो करती हैं आप देखेंगे तो, सारी की सारी नदियाँ, और बंगाल की खाड़ी में सारी की सारी नदियाँ आके गिरती हैं। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, ठीक है। आप देखो हमने देख रहे थे हम लोग कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। तो ये पॉइंट्स हमने समझ लिया। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ देख लेते हैं, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने बताया था। अगर आप रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इस साइड वाला आपका लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड वाला आपका राइट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड के देख लेते कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों, ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट से, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू और आपका मुनेरू, ये सारी क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। तो आपको ये इतना याद रखना है, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे तो पंचगंगा, ठीक है, दूध गंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, नागार्जुन देखो डैम यहीं पे है, नागार्जुन डैम कृष्णा नदी पे बना, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने इसकी सहायक नदियाँ भी ऐड की है, प्लस नागार्जुन सागर डैम याद रखिएगा कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, ठीक है, मुनेरू, ऐसे ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने वही ऐड किया है। इससे अगर छोटे छोटे आप खोजोगे तो बहुत सारी नदियाँ मिल जाएंगी, बट आपको ये मेनली पांच याद रखनी है, इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज भी पांच ही याद रखनी है, तुंगभद्रा, ठीक है, मालप्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, ये सारी आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट की बात करें तो कितन किन किन स्टेटों से ये जाता है, हम ये भी एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो आप देखोगे तो महाराष्ट्र से निकलता है, महाराष्ट्र के बाद ये महाराष्ट्र से निकलता है दोस्तों, महाबलेश्वर मैंने जस्ट अभी बताया। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आता है, कर्नाटक पहले क्या आता था, हैदराबाद से होकर जाता था, मतलब सॉरी हैदराबाद कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश से होकर जाता था, लेकिन तेलंगाना बढ़ने के बाद आप तेलंगाना का जब बॉर्डर देखोगे, तेलंगाना कुछ ऐसे बढ़ जाता है। तो ये अभी चार राज्यों से होकर जाती है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा हैदराबाद। तो ये चार राज्यों में बहती है, आप ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो लगभग लगभग सारी देखो ये कैचमेंट एरिया है इसका, ये लगभग इतनी दूरी तक सिंचित करती है अपने पानी से, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा कृष्णा नदी एक बहुत ही बड़ा भाग सिंचित करती है आपको, जो साउथ वाला भारत है उसको। अब राज्यों की बात करें, देखो चार राज्यों से मैंने बता दिया गुजरती है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, ठीक, कर्नाटक से, और आपका आंध्र प्रदेश से, ये चार राज्यों से होके गुजरता है। आगे बढ़ते हैं, देखो इस नदी पे कौन कौन सी मेजर सिटीज़ हैं, एक बार थोड़ा सा आपको ये भी जानना है, ठीक है। महाबलेश्वर ये याद रखिएगा, अमरावती, अमरावती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो हैदराबाद की कैपिटल भी होने वाली है, तो इसलिए आपके लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, विजयवाड़ा, अमरावती और महाबलेश्वर, ये तीन तीन मेनली क्या है, सिटीज़ हैं जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे देखोगे आप, देखो कावेरी यहाँ पे है, कृष्णा यहाँ पे है, जो इधर ही गिरती है, इधर ही गिरती है, गोदावरी आपकी इधर आके गिरती है, अभी हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में, ये पढ़ेंगे, इधर ही गिरती है। देखो नर्मदा और तापी ये दो नदियाँ हैं जो आपका अरब सागर में आके गिरती है, बाकी सब सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं, राइट। अब देखो कुछ ट्रिक्स है, किसी ने भेजा था तो मैंने आपके लिए ऐड कर दिया, बना दिया ये, बट मैं ट्रिक्स पे जाता नहीं हूँ दोस्तों नॉर्मली, ठीक है, बट फिर भी किसी ने भेजा था तो मैंने कहा कि आपको मैं बता ही देता हूँ। देखो अगर याद नहीं होता लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरी, तो इसके लिए मतलब उन्होंने ट्रिक किसी ने बना भेजा था तो मैंने आपके लिए शेयर कर दिया ये। तो देखो डॉन, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू और आपका मुनेरू, ये नदियां हैं। तो इसमें देखो ट्रिक जो बनी, धोबी, धो से डॉन, बी से भीमा, डंडा मुसीबत पर मारे, तो डंडा से आपका डिंडी हो जाएगा, मुसीबत पे मूसी हो जाएगा, पर से पलेरू हो जाएगा, मुनेरू हो जाएगा आपका मारे से। उसके बाद वर पे दूध घी मल मल तू, वर मतलब दूल्हा, दूल्हे पे दूध घी मल तू, ऐसे करोगे तो वर से वरना हो जाएगा, पे से पंचगंगा, दूध से दूध गंगा, ठीक है, घाट प्रभा घी से, माल प्रभा आपका
ठीक है, उसके अलावा कहता तुंगभद्रा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, बट मैं ट्रिक नॉर्मली नहीं करता हूँ, दो चार बार आप पढ़ेंगे बिना ट्रिक के आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बट जिनको लगता है कि मुझे ट्रिक से याद करना है आप याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन कार्ड। दोस्तों इसको आप गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल भी कह सकते हो। देखो रीज़न क्या है कि देखो एक एटीएम कार्ड के जैसा इससे पैसे भी आप निकाल सकते हो अगर इसमें पैसे हैं आपके, ठीक है। तो देखो इसका पहल करने का रीज़न क्या है, आपको पता है अगर जो लोग दिल्ली में ट्रेवल करते होंगे उनके लिए अलग से दिल्ली का मेट्रो कार्ड आता है, ठीक है, एक दिल्ली का मेट्रो कार्ड आता है, आपको अलग से यूज़ करना पड़ता है। इवन अगर आप टोल प्लाजा पे जाए तो टोल टैक्स देने के लिए काम नहीं आएगा, भले ही आपको उस वॉलेट में क्या हो पैसे हो, मतलब वो कार्ड मिलता है ऐसे कार्ड सा होता है, ठीक है, ऐसे ही ब्लू कलर का एक कार्ड होता है, एक लड़की छपी होती है उस पर दिल्ली मेट्रो लिखा होता है, तो आप बस एज ए ट्रेवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो वो भी दिल्ली की मेट्रो में। लेकिन अगर आप टोल प्लाजा पे जाओ, अगर आप वॉलेट के जैसा होता है उसमें आप रिचार्ज भी कर सकते हो 500, 1000, 2000 का, जैसे 200, 100 का, तो जैसे भी आप चाहें उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो सपोज करो आपने 500 का रिचार्ज कराया, अभी भी आपके पास 450 रुपये बचे हैं ट्रेवल करने के बाद, आप टोल प्लाजा पर जा रहे हो, आपने कार से जा रहे हो, टोल देना है, तो आप इस कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर टोल देने के लिए, आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है वन नेशन वन कार्ड, मतलब एक ही कार्ड हो, आप उसको टोल पे भी यूज़ कर सकते हो, दिल्ली मेट्रो पे यूज़ कर सकते हो, लखनऊ मेट्रो यूज़ कर सकते हो, कोलकाता मेट्रो यूज़ कर सकते हो, मतलब हर जगह ऐसे जहाँ भी परिवहन से रिलेटेड है वो हर जगह ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस में ट्रेवल कर रहे हो, कार्ड से पेमेंट करके वहाँ से आप ट्रेवल कर सकते हो, तो ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट लाने की सोच रहा है कि आपके पास एक ही कार्ड हो, पूरे भारत में आप एक ही कार्ड से आप ट्रेवल कर सकते हो, एक ही बार रिचार्ज करना, एक ही कार्ड को रिचार्ज भी करना, ऐसा नहीं कि अलग अलग से हम कूपन खरीद रहे हैं, अलग से टोकन खरीद रहे हैं। तो इससे क्या देखो, तो अलग अलग टोकन होने से भी क्या होता है, गवर्नमेंट पर बोझ बनता है। अगर सपोज करो अगर आप दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल करो, दिल्ली में तो ट्रेवल कर लिया, अगर लखनऊ मेट्रो से ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो आपको टोकन लेना पड़ेगा, आप जो आपके पास पहले से कार्ड पड़ा उस कार्ड का आप उपयोग नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि एटलीस्ट एक कार्ड से आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, आपके लिए एक सहूलियत सा गवर्नमेंट इसमें देने की कोशिश की है। तो इतना है, बस याद रखिए वन नेशन वन कार्ड क्या है, तो ये आपके लिए नॉर्मली क्या है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट में आप मोबिलिटी, उसको थोड़ा सा ईजी करने का प्लान है गवर्नमेंट के द्वारा कि मेट्रो सेवाएं, टोल टैक्स समेत जितने भी परिवहन शुल्क वगैरह भुगतान करते हैं आप एक ही कार्ड के थ्रू आप आराम से कर पाओ, इतनी ही पूरी गवर्नमेंट की पहल है, ठीक है। तो वन नेशन वन कार्ड ये चीज़ें याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भी याद रखिएगा, इस मेट्रो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमदाबाद में मेट्रो सेवा के पहले चरण को उद्घाटन के समय इस कार्ड को लॉन्च किया था, तो आप ये पॉइंट्स थोड़ी सी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके आगे बात करते हैं इसरो और फ्रांस के जैसे CNES ने, दोनों ने मिल के, CNES का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़, ठीक है, इन दोनों ने मिल के दोस्तों जो समुद्र एरिया है ना, जैसे भारत का अगर मैप बनाओगे आप तो इधर आपका अफ्रीका आ जाता है, राइट। तो इस वाले एरिया को निगरानी रखने के लिए इन्होंने एक अपना जॉइंट सिस्टम चालू किया, जॉइंट CNES और इसरो के बीच समझौता हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में जहाज़ों का पता लगाना है, उसकी पहचान करना, उनकी निगरानी करना, और एक संचालन प्रणाली के साथ इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये सारी चीज़ें मई तक स्थापित करने की बातें कही गई हैं, बट देखो इससे अच्छी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तो इससे अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि हमें निगरानी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर मैं आपको बात करूँ तो 26/11 का हमला, मुंबई हमला आपको याद है, किधर से आए थे वो लोग, समुद्री रास्ते से आए थे, हम उनको पहचान भी नहीं पाए। सोमालिया के पायलट्स की बात करते हैं, मैप में देखते हैं तो आपको शायद ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है। CNES के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो CNES देखो फ्रांस सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो CNES के बारे में इतना थोड़ा सा जान याद रखिएगा। अब मैप में देखते हैं, देखो अब रीयूनियन एक द्वीप है मॉरिशस के बगल में, ये है, इस पर फ्रांस मतलब फ्रांस की टेरिटरी है ये, तो ये पूरा एरिया जो है ना, देखो ये सोमालिया है, सोमालिया के पायरेट्स के नाम सुने होंगे, सोमालिया के डाकू भी आपने सुना होगा, तो ये लोग जब भी रेड सी से कोई सामान आता है तो उसको लूटने के प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ज़मीन पर ही लूटपाट होता है, समुद्र में भी लूटपाट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी सुरक्षा के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जैसे कि कोई आ भी रहा है तब भी निगरानी कर सकते, कोई जहाज़ जा भी रहा है तब भी निगरानी कर सकते, उस जहाज़ में कौन है यहाँ तक कि हम पता लगा सकें। तो ये सारे सिस्टम डेवलप कर रहे हैं भारत और फ्रांस मिलकर, तो आप ये इतनी बस चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, जो असंगठित अपराध करते हैं यहाँ पे लोग वो रोक पाएंगे, हम समुद्र में जो लूट होती है उसको रोक पाएंगे, 26/11 जैसे आतंकवादी हमले वगैरह हैं उसको हम रोक पाएंगे, जैसे समुद्र में तेल रिसाव वगैरह हो जाता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है जैसे टैंक में तेल आ रहा है और कभी कभी होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ तेल की टंकी फट गई, तो उससे क्या होता है पूरा तेल समुद्र में फैल जाता है। तो अब उस चीज़ों को पहले से देख के, अगर पहले हमने टाइम से देख लिया उसको, अगर हमने सेटेलाइट से अगर इन चीज़ों से निगरानी करते हुए, तो हम उसको जल्द से जल्द बाकी जो तेल गिर रहा है उसको हम रोक गिरने से बचा पाएंगे या रोक पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड QIP परियोजना, QIT परियोजना की, तो गोल्ड QIT परियोजना की अगर बात करेंगे हम, तो देखो ये बांग्लादेश की सीमा को लेके मतलब किया जा रहा है,
अगर आपको पता हो तो बांग्लादेश की हमारी सीमा लगती है जो कुछ 4096 किलोमीटर के आसपास हमारी सीमा लगती है आपका बांग्लादेश से, ठीक है। तो इसको चालू किया गया है। अब देखो ये कहाँ पे लगाया गया है इसको भी हम बात कर लेते हैं। तो असम का एक जिला है डुबरी, तो इसकी सीमा लगभग 61 किलोमीटर के आसपास लगती है बांग्लादेश से। 61 किलोमीटर, हाँ ये रहा, तो 61 किलोमीटर के आसपास लगती है। और लेकिन वो भी लगती कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी में। सपोज करो ब्रह्मपुत्र नदी अगर ऐसे जा रही है, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर आपका डुबरी हो गया, राइट। तो ये समुद्री सीमा तो नहीं कहेंगे, मतलब पानी वाली सीमा है, ठीक है। पूरा बीच से इधर से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी गई है। अब यहाँ पे हम कैसे निगरानी करें, हमारे लिए समस्या हो जाता है इसमें पानी में। तो इसके लिए क्या है कि देखो, एक तो लेबर वगैरह मतलब मेन फोर्स की ज़्यादा आर्मी की जरूरत, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। और आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बांग्लादेशी सीमा पे बात करें तो सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम BSF के नाम से जानते हैं, वो इसकी सुरक्षा करते हैं, राइट। तो अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम बोल्ड QIT परियोजना ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, ये लोग माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाएंगे, डिजिटल मोबाइल रेडियो सिस्टम कम्युनिकेशन, और दिन रात इसके कैमरे से निगरानी करेंगे, जिससे कि क्या घुसपैठी हैं, जो लोग इनडायरेक्टली इनवैलिड तरीके से एंट्री कर जाते हैं हमारी टेरिटरीज में, उनको हमें रोकने का प्रयास करेंगे कि अगर ऐसे लोग ना पाए। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैन लेवल, अब रात में टाइम अगर सपोज करो नदी बह रही है, तो अब रात के टाइम इतनी ठंड होती है, और उसके साथ साथ कि पानी से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रात के टाइम निगरानी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हम उसको सर्विलांस पर लगा के रखेंगे, मतलब CCTV कैमरेज लगा दें, सेंसर्स लगा दे किनारे किनारे, जिसको बाढ़ बना के बोलते हैं ना, तो बाढ़ बना के हम क्या करें, यहाँ पे सेंसर लगा दें, बिना बिना बाढ़ भी लगा कर हम सेंसर लगा दे रहे हैं किनारे किनारे, तो कोई भी हलचल होती है समुद्र, मतलब पानी से भी कोई अगर इधर से उधर तैर के जाता है या इधर से इधर तैर के आता है, तो एटलीस्ट समय क्या होगा, पता लग जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की पहल है। तो याद रखिए बोल्ड QIT परियोजना क्या है, आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिएगा कि बॉर्डर इंप्रूवमेंट की परियोजना है, या तो फिर ये कह लो कि एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको CIIBMS भी बोलते हैं, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है ये, बस इतना पूछा, आपसे पूछा जा सकता है किसके सीमा से रिलेटेड है ये, कि भारत नेपाल से, कि भारत भूटान से, कि भारत बांग्लादेश से, कि भारत म्यांमार से, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर बात करें तो विश्व बैंक की तो एक रिपोर्ट आई, जिसमें विश्व बैंक ने रिपोर्ट में ये देखा कि महिलाओं और पुरुषों के जो बराबरी का हक है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, अच्छा है या सबसे ख़राब, कहाँ पे सबकी उन्होंने रैंकिंग की। ये रिपोर्ट दोस्तों 187 देशों में निकाली गई, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त करने की बातें कही गई, जिसमें केवल 6 देश ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ, 6 देश ऐसे हैं जहाँ पे बराबरी का हक उनको मिला हुआ है। जैसे बात करें तो बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, लातविया, लग्जमबर्ग और स्वीडन, इतने देश है जहाँ पर बराबरी का उनको अधिकार मिले हुए हैं। तो दोस्तों इसको 187 देशों के सर्वे के आधार पर तैयार किया गया, बिजनेस एंड लॉ 2019 अ डिकेट ऑफ रिफॉर्म रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें भारत की रैंकिंग की हम बात करेंगे, उससे पहले देखो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान जैसे देश में भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इस रिपोर्ट की बात करें तो 127 देशों में भारत की जो रैंक थी 125 थी आउट ऑफ 187, ठीक है। तो भारत की रैंक इतनी, तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और भारतीय संविधान की बात करें, देखो आर्टिकल 39D बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो आपको ये भी याद रखना, आर्टिकल 39D किससे रिलेटेड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं इसके साथ, याद करके इसके साथ। तो इतनी चीज़ याद रखनी है। अब किन ये जो मानक तैयार किए गए, और अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में भारत का सबसे स्थान, पड़ोसी देशों में भारत का स्थान सबसे नंबर 1 पे है। जैसे अगर बांग्लादेश भी उससे नीचे है, और पाकिस्तान भी नीचे है, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सारे इससे नीचे ही आ जाते हैं। और देखो किन किन मानकों को ध्यान रख के इसको रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, उसकी बात करें तो महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी, नौकरी की स्वतंत्रता, पुरुषों के समान वेतन, विवाह में के बाद महिलाओं को कानूनी और आर्थिक स्थिति, नौकरी के दौरान गर्भावस्था में बच्चों के जन्म के समय मिलने वाले अधिकार, महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने की आज़ादी, समान पेंशन, संकेतकों के आधार पर इन सारी चीज़ों पे तैयार किए जाते हैं। तो ये सारे मानक हैं जिनको ध्यान में रख के ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, और इसके बाद इनको रैंकिंग दी गई थी, राइट। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। 3 मार्च को दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, तो आपको याद रखना 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, तो लाइफ बिलो वाटर फॉर द पीपल एंड प्लैनेट, तो आपको ये इतनी चीज़ें याद रखनी है, राइट, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा कि देखो जो वन है ना, वन जीव भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब सिंपल हो जाता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए, समवर्ती सूची का मतलब होता है, देखो एक राज्य सूची होता है, एक केंद्र सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है।
तो इसमें क्या होता है, राज्य सूची में राज्य देखभाल करता है, केंद्र सूची में बस केंद्र देखभाल करता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों देखभाल करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो अभी औपचारिक रूप से इसको लॉन्च कर दिया गया 4 मार्च को गुजरात में। अब इसमें क्या था कि 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब इसमें इस पहल में, अच्छा 15 फरवरी को इसके शुरू हो चुका है वैसे तो पंजीकरण। अगर बात करें तो इसमें क्या प्रोसेस था, तो मैंने बताया था कि आपको 18 साल की अगर उम्र है तो आपको 55 रुपये देना है, आपकी एज जब तक 60 साल होगी। अगर आप 40 साल के हैं तो आपको 200 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, अगर आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपये पर मंथ की आप इससे सैलरी मिलेगी। उसके लिए आपको आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दो चीज़ें होना जरूरी है। कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं, रेडी वाले, रिक्शा चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन मजदूर वाले, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, धोबी, मोची, चमड़ा कारगर, ये इन काम धंधों में लगे हुए लोग इसका लाभ ले सकते हैं। कौन लोग नहीं ले सकते ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो पेंशनधारी है, कर्मचारी हैं, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अंतर्गत आते हैं, या जिनके पास EPF जैसे EPFO EPF अकाउंट वगैरह होते हैं, वो लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। प्लस जो लोग आयकर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो लोग भी इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। हाँ, इसमें देखो कुछ योजना में अच्छी चीज़ इसमें ये की है कि सपोज लोग अगर पति का निधन हो जाता है तो पत्नी उस स्कीम को, मतलब उसमें पैसा भरते हुए इसको कंटिन्यू रख सकती है उसी स्कीम को। उसके अलावा कोई अगर पहले ही इसको बंद करना चाहते तो पहले भी बंद करके उसमें जो ब्याज पैसे मिलने वाले वो लेके आप क्विट कर सकते हो उसको, ये भी इसमें स्कीम्स में दी गई है। प्लस अगर पति का निधन हो जाता है, अगर पेंशन मिल रहा था, हस्बैंड ऑफ हो जाता है, तो इसमें पत्नी को 50% की रकम मिलेगी, मतलब 1500 रुपये महीना तब भी उसको आता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब त्रिशूल कोले वेटलैंड, अब ये कहाँ पे आप याद रखना है, क्या चल रहा है इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे त्रिशूल कोले वेटलैंड है, तो केरला में है। अब देखो मैं चर्चा में क्यों है कि विदेशी मछलियों की प्रजातियों की मौजूदगी को लेकर यहाँ पर चिंता जताई गई है कि विदेशी प्रजाति की मछलियाँ यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और जिस हिसाब से बढ़ रही है कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में विदेशी मछलियों की प्रजाति ज़्यादा हो जाएगी, जो यहाँ पर लोकल हैबिटेट की मछली आती है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, तो इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है। तो बस इतना याद रखेंगे। और ये देखो बेम्बानाड जो वेटलैंड है ना, जिसको रामसर साइट्स 2002 में रामसर साइट्स में भी शामिल कर लिया गया था, ये उसी का पार्ट है। उसके अलावा देखो दो और वेटलैंड की बात की गई थी, चिल्का लेक कहाँ पे, उड़ीसा की बात की गई थी, गुजरात में अमीपुर टैंक है तो इसकी भी बात की गई, तो ये दोनों भी याद रखिएगा। तो 3 यहाँ पे नाम हो गए आपका, त्रिशूल कोले वेटलैंड केरला में है, उड़ीसा में चिल्का लेक है, गुजरात में आपका अमीरपुर टैंक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। बेमनाड की बात करें तो बेमनाड 2002 में उसको रामसर साइट्स का दर्जा भी दिया गया था। भारत तुर्की से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या करेगा, अमेरिका वापस लेगा जनरलाइज। देखो अभी होता क्या है इसमें कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि देखो अमेरिका क्या करता है, बहुत सारे कंट्रीज को लगभग 120 विकासशील देशों को छूट देता है कि कुछ लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आयात कर सकते हो, निर्यात कर सकते हो, निर्यात नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है, अमेरिका में कुछ एक लेवल तक। जिसमें अगर भारत की छूट की बात करें तो भारत को लगभग 40,000 करोड़ तक की छूट है, मतलब उसमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, शुल्क बहुत ही कम लगता है, तो उसमें छूट के तहत क्या है तो भारत को लाभ मिलता है। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर हम 40,000 करोड़ की छूट दे रहे हैं तो जब भारत से हम कोई चीज़ इंडिया में भेजते हैं, मतलब सॉरी अमेरिका से कोई चीज़ इंडिया में भेजते हैं तो इंडिया को भी क्या करना चाहिए, इसमें छूट देना चाहिए। तो इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप हमें यहाँ पे भी छूट दीजिए, अगर हम आपको 40,000 करोड़ की दे रहे हैं तो आप भी 40,000 करोड़ की। जैसे हार्ली डेविडसन बाइक की बात करें, अगर इंडिया में आती है तो बहुत महंगी बिकती है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार हमारी चीज़ें जाती है तो आप उसका दाम बढ़ा के आप क्या करते हो, उसको महंगा बेचते हो, उसको सस्ता करो, मतलब जो टैक्स वगैरह लगाते हो उसको हटाओ या जीरो करो। जैसे हम आपको 40,000 करोड़ की छूट दे रहे हैं वैसे आप इंडिया में भी छूट दो, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता, भारत की अलग अलग मजबूरियाँ हैं। तो भारत डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका आपका डेवलप कंट्री है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तुर्की और भारत से ये चीज़ें वापस लेंगे, तो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखते हैं भारत इसमें आगे चल के क्या करता है। कीरू पन बिजली परियोजना, तो ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है, चिनाब नदी भी बन रहा है, आप याद रखिएगा 3 फरवरी 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई है। और ये प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, ये इसको NHPC, ठीक है, जम्मू कश्मीर पावर स्टेट पावर और आपका PTC, इन तीनों मिलकर ये परियोजना को क्या कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, जिसमें NHPC और आपका जम्मू कश्मीर और आपका PTC। तो देखो जम्मू कश्मीर और NHPC इन दोनों के जो शेयर्स हैं 49% है और 2% आपका PTC का है। तो बस इतनी पॉइंट्स हैं आपको, बस इतना देखो, इतना डिटेल में याद रखना, मैंने शेयर्स बता दिए, लेकिन ये इतना पूछे जाते हैं कि चांसेस नहीं होते हैं। आपसे जो पूछा जाएगा कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, किस नदी पर, चेनाब नदी पर, कब स्टार इसकी आधारशिला रखी गई है,
और इसका नाम, बस ये चार चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन औषधि दिवस तो ये मनाया गया दोस्तों 7 मार्च 2019 को जन औषधि दिवस के रूप में। तो ये देखो ये रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत गया था, जिसका एक विभाग है जन औषधि विभाग, ठीक है। इसमें क्या है, देखो जनता को जागरूक बनाया जाता है और इनको एक तो जो जेनरिक दवाएं होती है ना, इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। तो भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसके अंतर्गत क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात मतलब जानकारी दी जाती है, प्लस इनको जो दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है वो सस्ते तौर पर सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड कराने की गवर्नमेंट की एक पहल है। तो आप इतनी चीज़ें बस याद रखिएगा। आगे बात करते हैं गूगल बोलो ऐप। तो गूगल बोलो ऐप क्या है, तो देखो ये लोगो है इसका और बोलो इसका ऐसे ही ऐप आप देखोगे गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, तभी डेवलपिंग फेज में है, आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। लगभग 48 MB के आसपास इसकी साइज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या कि देखो प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। इवन स्टोरीज स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच में ये तकनीक पर आधारित है, मतलब कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो स्पीच करके वो बोलेगा भी उसको, ठीक है। और इसमें से एक देखो एनिमेटेड करेक्टर जिसका नाम भी दिया गया दिया, उसको भी इसमें रखा गया जो बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि आप इसको पढ़िए समझिए और समझाइए। तो हिंदी और इंग्लिश में इम्प्रूव करने के लिए एक गूगल की एक पहल है, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कल आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने में भारत के रैंक कितने हैं, तो 125वीं है, जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था। अल लगा 3 क्या है, तो ओमान के साथ हमारा सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने लिख रखी है, 12 से 15 मार्च तक ये होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा ये, ओमान के जबल अल अखदर पहाड़ियों में होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये अभ्यास जो है तीसरा है, द्विवार्षिक होता है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला 15 में हुआ था, दूसरा 17 में हुआ था, तीसरा 19 में हो रहा है, तो दो दो साल पे होता है। अब आगे बात करते हैं। तो देखो ये हमने जस्ट डिस्कस कर ही लिया आपसे, ठीक है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 125वीं रैंक है 187 देशों में, ठीक है। एक मानक भी हमने देख लिए थे और कौन कौन से टॉप 6 देश है जो केवल महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दे पाए हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही सिंपल सा लिया मैंने। निम्न में से कौन सी कंपनी के द्वारा बोलो नामक ऐप लॉन्च किया गया, अगर आपने ध्यान से मेरा नाम मतलब मैं बताते हुए सुना होगा तो शायद आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। तो जो भी आंसर है आपका प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।